एपिसोड्स इतने छोटे हैं, अब इनके बारे में हम जरा सी भी चर्चा करें तो मतलब पूरा का पूरा मामला खुल जाएगा यहाँ। जब से प्यासा के लिए काम करना चालू किया है, बाकी काम के लिए समय नहीं मिलता, इतना ज़्यादा कंटेंट देखना पड़ता है और फिर उसके बारे में चर्चा भी करनी पड़ती है। हालांकि यही तो करना हम चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, कि ज़िंदगी कुछ इस तरीके से बर्बाद करें कि बर्बाद करने के बाद भी लगे कि मज़ा आ गया। लेकिन वेब सीरीज़ कभी भी मेरी फेवरेट नहीं रही हैं। रीज़न क्या, 10-10 एपिसोड एक वेब सीरीज़ में और उसके भी 4-4, 5-5 सीज़न, कौन देखता है यार इतना लंबा लंबा। हमें तो मज़ा आता है कि 2 घंटे की मूवी हो, स्टार्ट हो, क्लाइमैक्स ले, ख़त्म हो जाए, मज़ा से आ जाए। मतलब फिल्में हैं रजाई की तरह, कि एक बार ओढ़ो, बाहर टेम्परेचर माइनस में चला जाए और सुबह आपका रजाई से निकलने का मन न करे। पर हाँ, कुछ वेब सीरीज़ हो सकती हैं बहुत ही ज़्यादा कंबल जैसी, कौन सा सिग्नेचर ब्लैंकेट जैसा, कि आपको गुदगुदा एहसास भी देगी और मज़ा भी आएगा। कितना अच्छा होता कि अगर वेब सीरीज़ बस एक एपिसोड 20 मिनट का रहे और 6-7 एपिसोड में पूरी की पूरी वेब सीरीज़ ख़त्म हो जाए और एक दूसरे से किसी का भी कोई लिंक नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इंडिपेंडेंट हम छोटी छोटी फिल्में देख रहे हैं, थंबनेल आपने देख लिया, बकचोदी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बात हो रही है ज़िंदगी इन शॉर्ट्स की। मतलब 6 ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कहाँ देख सकते हैं, तो भैया आप इसको देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। फ्लिपकार्ट वीडियो करके भी एक ऐप आ रहा था जिसके ऊपर इसको रिलीज़ किया गया होगा, बट आप इसको आसानी से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो कौन कौन सी फिल्में आपको इसमें देखने को मिलेंगी, इसमें आपको देखने को मिलेंगी, सबसे पहले आपको मिलेंगी अपनी नीना गुप्ता जी, उनका आपको मिल जाएगा इसमें देखने के लिए पिन्नी। पिन्नी के बाद आपको मिल जाएगा नन्नोसोफोबिया, देन स्लीपिंग पार्टनर, देन इसमें मिल जाएगा आपका छज्जू के दही भल्ले, और उसके बाद मिलेगा थप्पड़, देन स्वाहा। मतलब ये इस ऑर्डर में नहीं है, मतलब आपको आगे पीछे भी मिल सकते हैं। तो सबके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। खास बात क्या है कि सब इंडिपेंडेंट स्टोरीज़ हैं। जैसे पिन्नी में नीना गुप्ता जी की मतलब एक महिला की कहानी है जो अपने मतलब एक सर्टेन एज को पार कर चुकी है पर बुढ़ापा अभी तक नहीं आया है। उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, वो इतनी टेकन फॉर ग्रांटेड हो चुकी हैं, इतनी टेकन फॉर ग्रांटेड हो चुकी हैं कि लोगों को ये भी नहीं पता कि भैया इस अगली का बर्थडे है, इसको विश कर दो। तो वो डिसाइड करती है कि भैया मैं खुद ही करूँगी, अब मुझे आगे करना है, ठीक है। इसके अलावा थप्पड़, थप्पड़ में एक भाई है जो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है पर वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो आदमी फिजिकली स्ट्रांग हो ये ज़रूरत नहीं है, मतलब ये भी ज़रूरी है बट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मतलब आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, मतलब आपके इरादों में कितनी जान है, तो वो प्रूव करके दिखाता है कि मैं ही हूँ कमांडो, ठीक है। मेरे साइज पर मत जाना, मेरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो धीरे धीरे डिस्कवर करोगे तुम लोग। इसके अलावा या फिर आप देख सकते हैं सनी साइड ऊपर, एक डॉक्टर की कहानी है उसमें, बहुत प्यारी सी कहानी है वो भी। और नन्नोसोफोबिया, मतलब ये भी एक अच्छी कहानी है, आपको इसको देख के मज़ा आएगा। स्लीपिंग पार्टनर सबसे ज़्यादा यहाँ पे पहुँचने वाली कहानी है, कि फिर वही ज़्यादातर कहानियाँ जो हैं मतलब महिला प्रधान ही है इसमें भी, बट हाँ, बट स्लीपिंग पार्टनर में क्या है, जो दिव्या दत्ता जी ने जिस तरीके से काम किया है, और हमारे आसपास लोग क्या हैं मतलब अपने पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर मान लेते हैं, तो वही उसी तरीके से उस कहानी को बुना गया और उसको भी बहुत सही ढंग से दिखाया गया। मेरी फेवरेट थे छज्जू के दही भल्ले, मतलब वो कहानी देख के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। रीज़न क्या कि मैं अमृतसर में रहा हूँ 5 साल, ठीक है, तो कितना सेम कल्चर हुआ अमृतसर और लाहौर का, कि दो मतलब जब तक वो ख़त्म होता है एपिसोड, मतलब एपिसोड ही बोल रहे हैं उसको, तब तक पता ही नहीं चलता कि ये दो अलग अलग, मतलब मैं क्यों बताऊँ, मेरे को सबसे अच्छा लगा छज्जू के दही बल्ले, देखो और डिस्कवर करो। उसके बाद दीपक डोबरियाल आते हैं स्वाहा लेके, स्वाहा, तो वो भी मतलब भाई बहुत अच्छा लगा उसको देख के भी। अलग अलग डायरेक्टर्स हैं, जैसे गौतम गोविंद हैं, राकेश सेन हैं, पुनर्वासु नायक हैं, तायरा कश्यप हैं पिन्नी में, इसके बाद विजेता कुमार हैं, स्मृतिका पानीग्रही और विनय छावल, ये सारे डायरेक्टर हैं। आपको कास्ट भी हम आपको बता देते हैं, जैसे छज्जू के दही बल्ले जो कि मेरा फेवरेट एपिसोड था, उसमें आपको मनजोत सिंह और आयशा अहमद मिल जाएंगे। नन्नोसोफोबिया में आपको स्वरूप संपत, निधि सिंह और अरुण कुशवाहा। मुझे अभी पता लगा डॉक्टर स्वरूप संपत जो हैं परेश रावल जी की वाइफ हैं, मतलब ये मेरे लिए नई डिस्कवरी थी। आप लोगों को पहले से पता थी ये बात, तो बता देना हमें। स्लीपिंग पार्टनर बता दिया, संजय कपूर, दिव्या दत्ता और जितिन गुलाटी इसमें आपको मिल जाएंगे। पिन्नी जिसमें आपकी नीना गुप्ता और शिशिर शर्मा है। सनी साइड ऊपर में आपका रीमा कलिंगल, रित्याशा राठौड़ और नकुल मेहता आपको मिलेंगे। स्वाहा में आपको दीपक डोबरियाल, ईशा तलवार और
बिजॉय थंगम मिल जाएंगे, मतलब इसमें, और थप्पड़ में आपको मिलेंगी वेदिका नवानी और शाफिन पटेल। तो ये सारी कहानियाँ हैं छोटी छोटी, एक बार टाइम निकाल के फुर्सत से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपका समय जाएगा नहीं और बहुत अच्छा कंटेंट है। मैं अवॉइड पता नहीं किस लिए कर दिया, मैंने छोड़ दिया था इसको, मतलब डायरेक्टर्स ने भी अच्छे से काम किया है, कहानियाँ भी बड़ी स्वीट और बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई, अपने आप में कंप्लीट है। अगर आपको पुराना यूट्यूब वाला वो शॉर्ट फिल्में देखने का अगर चस्का है थोड़ा बहुत, तो आपके लिए ये पूरी की पूरी जिंदगी इन शॉर्ट जो हमारी कहें तो वेब सीरीज़ ही है, आपके लिए काम का सौदा हो सकती है। मुझे उम्मीद है ये थोड़ी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि टॉपिक मतलब हमारी वेब सीरीज सॉरी एपिसोड्स इतने छोटे हैं, अब इनके बारे में हम जरा सी भी चर्चा करें तो मतलब पूरा का पूरा मामला खुल जाएगा यहाँ पे, और मामला यहाँ पे खुल जाएगा तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ आप खुद से डिस्कवर करें और एक बार ये ज़रूर देख लें, मतलब अच्छे कंटेंट को तो हम देख ही सकते हैं, खराब कंटेंट की चर्चा हम वैसे भी करते नहीं हैं जब तक उसमें कोई बहुत बड़ा स्टार ना हो या बहुत बड़ा डायरेक्टर ना हो या बहुत बड़ा बैनर ना हो। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। उम्मीद है कहानी अच्छी लगी, अगली कहानी तक गुड बाय।